क्या स्वर्ग चलिए क्या कर्म क्या ही सर्वम तप पितामी पेत्री मातंगम प्रेमता काशी भ्रमण काशी यात्रा काशी का वर्णन काशी का दर्शन लाइट ऑफ एशिया एशिया के ज्योतिपुंज आस्था के समर्पण के संत भारतवर्ष को एक नव प्रकाश नव चेतना देने वाले महात्मा बुद्ध की जयंती और वैशाख का यह पावन महीना वैसाखी पूर्णिमा बुद्धा नून एज द लाइट ऑफ द एशिया एशिया के प्रकाश पुंज कहे जाने वाले महात्मा बुद्ध के जन्म दिवस पर और हमारी महत्वपूर्ण हिंदू भारतीय सनातन संस्कृति में मान्यताओं में और हर धार्मिक आयोजनों में स्थापित यह महत्वपूर्ण पर्व वैसाखी पूर्णिमा। वैसाख माह बहुत ही पावन रहा है, बहुत ही निर्मल रहा है, आज से ही नहीं बहुत दिनों से। आज वैसाख पूर्णिमा के इस महत्वपूर्ण अवसर पर हम काशी की धरा से काशी की भूमि से यह महत्वपूर्ण ब्लॉग शूट कर रहे हैं हमारे महत्वपूर्ण दर्शकों के लिए, जो कि काम ब्लॉग पर नियमित संस्कृति को आस्था को समर्पण को वेद को हमारे सनातन संस्कृति को देखने के लिए बराबर व्याकुल रहते हैं। एक आस्था का पर्व एक समर्पण का पर्व अपने देव के अपने इष्ट के अपने धर्म को बनाने के लिए अपने कर्म को बनाने के लिए अपनी आस्था को सृजित करने के लिए यह महत्वपूर्ण पर्व बुद्ध पूर्णिमा। माता बुद्ध ने संदेश दिया था पूरे जगत को कि सारे जगत का कल्याण हो अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा महत्वपूर्ण बिंदु है, अहिंसा महत्वपूर्ण अस्त्र है और अहिंसा महत्वपूर्ण वस्तु है जो हर इंसान के अंदर दया भाव भक्ति भावना इन सभी का सृजन करती है। विभिन्न प्रकार के आयोजन और जैसा कि आप जानते हैं कि आज अभी जल्द ही काशी में काशी तमिल पुष्करम आयोजन हुआ था, जिसमें कि तमिल के लोगों ने काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और 11 साल के बाद काशी में आकर यहाँ पर अपने पितरों के लिए तर्पण किया, पिंडदान किया। यह आयोजन ख़त्म हुआ उसके बाद ही बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर एक उत्सव की लहर बुद्ध पूर्णिमा शीतला घाट का यह महत्वपूर्ण बड़ी शीतला माता का मंदिर और वैसाख पर वैसाख की पूर्णिमा पर सभी भक्त सभी श्रोता और सभी हमारे जो काशीवासी हैं दशाश्वमेध घाट से हम यह महत्वपूर्ण कवरेज दे रहे हैं। इस महत्वपूर्ण कवरेज के तहत हम आपको दिखाएंगे आखिर एक और घाट है बहुत ही आप लोग शायद नहीं जानते, साथ में लगा हुआ है यह प्रयाग घाट। काशी के महत्वपूर्ण स्थलों को जब मैं दिखाता हूँ तो उस दौरान मैं बहुत ही बारीकी से हर एक स्थल के बारे में आपको बताऊँगा, हर एक क्षण के बारे में बताऊँगा, हर एक उस प्रहर के बारे में बताऊँगा और हर एक मानव संस्कृति सभ्यता की उस लहर के बारे में बताऊँगा। आस्था का समर्पण का
और अपने मन की शांति के लिए जो भक्त यहाँ पर आते हैं, दान का ये क्रम है, जो स्नान का क्रम है, जो आस्था का क्रम है, जो संस्कृति का क्रम है, जो सभ्यताओं का क्रम है, ये दशाश्वमेध घाट पर बहुत ही सहज देखने को मिल जाता है। हमारे साथ महत्वपूर्ण यूट्यूबर एडुकूल भी उपस्थित हैं, जो कि अपनी पारंपरिक जय पांडे पारंपरिक वेशभूषा में गंगा स्नान करने के बाद, ध्यान करने के बाद उपस्थित हैं और नियमित यहाँ पर गंगा स्नान भी करते हैं। जो दर्शनार्थी हैं यूट्यूब फैमिली से भी संबंधित हम लोगों के साथ रहते हैं, ये देखिए महत्वपूर्ण सूलटंकेश्वर का मंदिर। आज का जो मौसम है, आज का जो ये उत्सव है, आज का यह जो समागम है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। आज भीड़ बहुत कम है, देखिए व्याकुल हैं हमारे माझी बंधु, व्याकुल हैं आज, बहुत ही कम कस्टमर आज घूमने के लिए आए हैं। कोई बात नहीं, बुद्ध पूर्णिमा का दिन है, लेकिन एक महत्वपूर्ण आज और दिन है कि आज चंद्र ग्रहण लग रहा है, लेकिन काशी में और भारतवर्ष के विभिन्न जिलों में इसका प्रभाव नगण्य, क्योंकि नहीं माना जाएगा। हालांकि सूतक की तो स्थिति को हर कोई मानता है, सूतक काल रहेगा, मंदिरों में दर्शन पूजन कुछ देर पहले, शायद एक आध घंटे पहले बंद कर दिया जाएगा, लेकिन जो एक मान्यता होती है कि ग्रहण जो अपना प्रभाव देता है, इसलिए काफ़ी लोग ग्रहण की वजह से भी स्नान करेंगे। और जब ये ग्रहण ख़त्म हो जाएगा इसका सूतक काल, तो उसके बाद भी भारी भीड़ घाटों पर स्नान करेंगे। हमारा प्रोग्राम था भोर में 5:30 बजे आने का, लेकिन किन्हीं महत्वपूर्ण कार्यों की वजह से हम यहाँ पर भोर में नहीं उपस्थित हो पाए, लेकिन थोड़ा देर से ही सही, लेकिन हम आए और हमने स्नान किया। काफ़ी अच्छा लगता है काशी में स्नान करने के बाद, काशी में दान करने के बाद। काशी का जो मौसम रहा है, काशी का जो उद्गम रहा है, काशी की वह जो छटा निराली रही है, और जो महादेव की रची बसी नगरी में जो काशीवासी हैं, क्या अद्भुत आनंद की प्राप्ति करते हैं जब गंगा में एक डुबकी लगती है, उसके बाद तन मन और धन सब कुछ निर्मल हो जाता है। और ऐसे ही हम घूमते फिरते काशीवासी चले आते हैं और यहाँ पर गंगा में एक छोटी सी डुबकी लगाते हैं और एक अद्भुत शक्ति की प्राप्ति करते हैं। दशाश्वमेध महत्वपूर्ण घाट और हमारे महत्वपूर्ण दर्शनार्थी श्रद्धालु सभी यहाँ पर दर्शन पूजा करते हैं। एक छोटा सा ही हम आज आपको व्यू दिखाएंगे महात्मा बुद्ध की जो नगरी रही है, ज्ञान प्राप्त किया महात्मा बुद्ध ने ऋषिपत्तनम, जो कि सारनाथ हमारे यहाँ कहा जाता है। उसके बाद जन्म इनका हुआ नेपाल के कपिलवस्तु नामक स्थान पर, उसके बाद विभिन्न प्रकार की शोध और योग प्रक्रियाओं की सिद्ध होने के बाद उन्होंने काशी में ज्ञान की प्राप्ति की। काशी में ज्ञान प्राप्ति के उपरांत महात्मा बुद्ध एक एशिया के प्रकाश पुंज की तरह स्थापित हुए। अहिंसा परमो धर्म, सभी जीव से प्रेम करो, सभी महत्वपूर्ण इन्होंने संदेश दिए। और यह हमारा महत्वपूर्ण काशी का दशाश्वमेध घाट, आज का यह स्नान ध्यान दान और महत्वपूर्ण ब्लॉग आपको कैसा लगता है आप लिखा करिए, हमें बताएं कि और किस किस प्रकार की वीडियोस आप लोग को चाहिए हमारे ब्लॉग पर, चैनल पर। आज का वीडियो हम बहुत लंबा शूट नहीं करेंगे, जैसा कि हमने आपको दिखाया बुद्ध पूर्णिमा का यह महत्वपूर्ण उत्सव। अब हम आपको दशाश्वमेध घाट का एक महत्वपूर्ण
दृश्य दिखाने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही अच्छा यहाँ पर बनाया गया है, दशाश्वमेध भवन। आइए हम देखते हैं। ये देखिए, ये महत्वपूर्ण जगह की मैं आपसे बात कर रहा था, दशाश्वमेध घाट पर ही महादेव भोले शंकर की ये बड़ी ही सुंदर दशाश्वमेध, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये है हमारे भोले बाबा का प्रताप, हमारे भोले बाबा की महिमा। ये है सूर्य देव के वाहन और हमारे महादेव का महत्वपूर्ण स्थल। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण ब्लॉग देखने के लिए आप ट्यून करते रहे बराबर हमारे महत्वपूर्ण चैनल फॉर्म ब्लॉग को। काशी भ्रमण, यात्रा, स्नान, दान, धर्म, पूजा, इन सभी चीज़ों से युक्त हमारी यह काशी और हमारे यह महत्वपूर्ण ब्लॉग आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। काशी की धरा से ऐसे ही ब्लॉग्स देखते रहे और बराबर सपोर्ट करते रहे। वीडियोज़ अगर अच्छा लगे, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कॉम ब्लॉग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय माँ गंगा, हर हर महादेव। अगले एक महत्वपूर्ण ब्लॉग में फिर हम आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय जय सीताराम। वीडियो को शेयर करते रहे और सब्सक्राइब करते रहे कॉम ब्लॉग यूट्यूब चैनल।